इंडियन प्रीमियर लीग के IPL 17 सीजन का फाइनल हो चुका है। सनराइजर्स हैदराबाद और KKR के बीच हुए मैच में KKR ने सनराइजर्स हैदराबाद को मात दे दी। वहीं मैकबर्ग बेस्ट स्ट्राइकर बने, नीतीश रेड्डी बने इमर्जिंग प्लेयर, जानिए किसे कौन सा मिला अवार्ड। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन की ट्रॉफी कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने नाम कर ली है। KKR ने फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से रौंदकर चैंपियन बनने की उपलब्धि पाई है। इस सीजन कई नए और उभरते हुए खिलाड़ियों ने उभर कर सामने आए हैं। कुछ युवाओं ने रन बनाकर तो किसी ने खूब सारे विकेट लेकर क्रिकेट जगत में एक अलग पहचान बनाई है। विराट कोहली से लेकर हर्षल पटेल और सुनील नरेल समेत कई खिलाड़ियों ने सीजन में अवार्ड जीते हैं। तो आइए जानते हैं IPL 2024 के अवार्ड सेरेमनी में किस किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। विजेता टीम को मिले 20 करोड़ रुपए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 के फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीती। चैंपियन बनने के लिए KKR को 20 करोड़ रुपए के तौर पर इनामी राशि मिली है। उपविजेता टीम को कितनी रकम? सनराइजर्स हैदराबाद IPL 2024 की उपविजेता टीम रही, जिसने लीग स्टेज के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद को उपविजेता रहने के लिए 12 करोड़ 5 लाख रुपए की रकम दी गई है। वहीं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन की बात करें तो IPL 2024 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद के 21 वर्षीय ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी को मिला है। रेड्डी ने सीजन 13 मैचों में 33.67 के औसत से 303 रन बनाए और गेंदबाजी में 3 विकेट भी लिए। अपने पहले ही सीजन में नीतीश ने कई बड़े कारनामे करके दिखाए हैं, इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए मिले हैं। वहीं स्ट्राइकर ऑफ द सीजन की बात करें तो स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स के 22 वर्षीय तूफानी बल्लेबाज जेक फ्रेजर मैकगर्क को मिला। मैकगर्क ने IPL 2024 में 9 मैचों में 330 रन बनाए, मगर उन्हें स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड अपने 234 के स्ट्राइक रेट के लिए दिया गया है। इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए की राशि भी मिली है। फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन सुनील नरेट को मिला है, जिसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए मिले हैं। फैंटेसी क्रिकेट गेम्स में भाग लेने वाले यूजर्स के लिए सुनील नरेल सबसे अहम प्लेयर साबित हुए। नरेल ने इस सीजन गेंद के अलावा बल्ले से भी लाजवाब प्रदर्शन किया है। सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने IPL 2024 में सबसे ज्यादा छक्के लगाए। अभिषेक ने सीजन में 42 छक्के लगाए, जिसके लिए उन्हें फैंटेसी सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसलिए उन्हें 10 लाख रुपए की धनराशि मिली। ऑन द गो फोर्थ ऑफ द सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के ट्रेवी सेट को सीजन में सबसे ज्यादा चौके लगाने के लिए ऑन द गो फोर्थ ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हेड ने सीजन में कुल 64 चौके लगाए, जिसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए की धनराशि मिली। कैच ऑफ द सीजन कैच ऑफ द सीजन अवार्ड KKR के रमनदीप सिंह को मिला। रमनदीप ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में अर्निस कुलकर्णी का ऐसा कैच पकड़ा जिसे उन्होंने अपनी पहुंच से दूर होने के बावजूद पकड़ लिया था। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नरेन को IPL 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मिला है। नरेन सीजन की शुरुआत से ही कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे। उन्होंने बल्ले से 488 रन बनाए और गेंदबाजी में 17 विकेट लिए। इस प्रदर्शन ने नरेन को सीजन का सबसे वैल्यूएबल प्लेयर बनाया, इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए और एक ट्रॉफी मिली। ऑरेंज कैप विराट कोहली ने जीती है, जिसके लिए उन्हें ऑरेंज कैप और 10 लाख रुपए की धनराशि मिली है। कोहली ने IPL 2024 में 15 मैचों में 61.75 के औसत से 741 रन बनाए हैं। पर्पल कैप सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए हर्षल पटेल को पर्पल कैप और 10 लाख रुपए की धनराशि मिली। पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए हर्षल ने 14 मैचों में 24 विकेट लिए हैं। खबरों के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए देखते रहें द खबरदार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।